Dear students, in this module, we are going to discuss the dysfunctions of bureaucracy. In our previous module, we talked about different key characteristics of bureaucracy. However, while understanding the bureaucratic structure, not every characteristic makes it more and more functional for the society. There are certain dysfunctions as well. Let us first सी इट्स फॉर्मल डेफिनेशन दैट ब्यूरोसी कैन समाइम्स प्रोड्यूस नगेटिव आउटकम्स और अन इंटेंडिड कॉन्सिक्वेंसेस किसी भी वर्क ऑर्गनइजेशन के अंदर जो ब्यूरोटिक स्ट्रक्चर होते हैं उनके सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आउटकम्स ही नहीं होते हैं बल्कि उनके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं जो बात इंटेंशनल होते हैं और अक्सर अवकात अन इंटेंशनल होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इनफिशेंट डिसीजन मेकिंग रेड टेपिज्म, ब्यूरोटिक डिलेज लैक ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टू पब्लिक नीड्स तो इन इनफिशेंट डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है कि जब ब्यूरोटिक ऑर्गनाइजेशंस ओवर रिलाई करती हैं रिटर्न रूल्स के ऊपर एंड दे बिकम लेस प्रेगमेटिक टूवर्ड्स द एग्जिटिंग सिचुएशन कि हो सकता है कि बाज सिचुएशंस ऐसी हों जिसके अंदर उनको प्रेगमेटिक रहते हुए रैशनल बेसिस के ऊपर ऐसे डिसीजन लेने पड़े जो शायद रिटर्न रूल्स के मुताबिक ना हों लेकिन चूँकि दे आर बाउंड टू फॉलो द रिटर्न रूल्स तो इस वजह से उनके अंदर वो इनफ़िशनसी पैदा हो जाती है इसी तरह से जो रेड टेपज़्म है या फॉर्मल द दरार्किकल स्ट्रक्चर है कि जब तक ऊपर से फैसला नहीं होगा तब तक नीचे जो है वो कुछ नहीं हो सकता और आपकी एक फ़ाइल जो है उसको शायद उस प्रोसेस से गुजरने के लिए महीनों लग जाएं क्योंकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो हरार्किकल स्ट्रक्चर है उसको ब्रीच नहीं किया जा सकता होता और जब तक ऊपर से जो फॉर्मल फॉर्मली इस्टेबलिश्ड पोजीशन के ऊपर बैठे हुए लोग जो हैं वो जब तक उसको गो हेड नहीं कहते हैं तब तक वो प्रोसेस जो है वो डिले होता रहता है Uh, फिर जो लैक ऑफ़ रिस्पॉन्सिनेस है पब्लिक नीड्स के लिए वो भी बड़ा अहम है इस हवाले से कि पब्लिक नीड्स जो होती हैं वो सब्जेक्ट टू चेंज होती हैं ब्यूरोसी के जो रिटर्न रूल्स होते हैं बाज़ात वो बहुत ऑप्सोलीट होते हैं बहुत पुराने होते हैं डेकेस uh, के ऊपर भी मुहित होते हैं uh, और इसी वजह से ये होता है कि वो टू डेट रिटर्न रूल्स के ना होने की वजह से जो अपडेटेड या करंट एग्जिस्टिंग सिनेरियोस प्रोड्यूस होते हैं मॉडर्न uh, नीड्स पैदा हो जाती हैं तो उनको वो टैकल नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से उसमें ना सिर्फ इनफिशेंसी आती है बल्कि पब्लिक नीड्स को टैकल करने का कोई खास मैकेनिज्म मौजूद नहीं होता तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस uh, के फंक्शंस को देखते हुए जब हम उसके डिसफंक्शंस पे गौर करते हैं तो हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं कि अगर ब्यूरोटिक स्ट्रक्चर जो हैं वो वक्त के साथ साथ अपने रूल्स को अपने प्रोसेस को अपडेट ना करें तो उनमें ये इनफिशनसीज़ पैदा हो सकती हैं फिर डिफरेंट कॉजिज़ हैं इन डिस की फॉर एग्जांपल रिजिड एडहेरेंस टू रूल्स एंड प्रोसीजर्स जैसे कि हमने पहले बात की कि फॉर्मल रिटर्न रूल्स जो हैं वो बहुत अहम बन जाते हैं जो कि बाज़ात इन ऑर्गेनाइजेशंस को मोर एंड मोर रिचुअलिस्टिक बना देती हैं नस्बता मोर एंड मोर रैशनल होने के तो रैशनलिज्म रिचुअलज़म की जब हम बात करें तो ब्यूरोटिकर्गनाइजेशनस जो हैं दे आर मोर रिचुअलिस्टिक एज़ कम्पेयर टू बिंग मोर रैशनल फिर लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी या करप्शन जो है ये भी बहुत uh, सी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस को डिसफंक्शनल बना देती हैं जैसे कि हम पाकिस्तान के अंदर इसकी बहुत वाज मिसालें लेते हैं देखते हैं अपने इर्द गिर्द कि कैसे लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी या करप्शन जो है वो इन ब्यूरोटिक ऑर्गेनाइजेशन को मोर एंड मोर इनफिशेंट बना देती हैं जिसमें पर्सनल बेनिफिट्स जो हैं वो ज़्यादा अहम हो जाते हैं नस्बता के पब्लिक गुड के इम्प्लीकेशन इसकी क्या हो सकती हैं इसके क्या आफ्टर इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं ब्यूरोटिक डिसफंक्शन कैन अंडरमाइन द पब्लिक ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट एंड कैन लीड टू नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी तो जैसे कि पाकिस्तान के अंदर भी आप देखते हैं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को एक दफ़ा करप्शन चार्जस का सामना होता है और उसकी इफ़िशेंसी बड़ी वाजे हो जाती है लोग उससे इस हद तक बेजार हो जाते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करप्शन के बगैर या किसी अप्रोच के बगैर जो है उनका काम नहीं हो सकता तो वहाँ पे उसकी जो सबसे बड़ी इम्प्लीकेशन होती है वो ये होती है कि वो पब्लिक का ट्रस्ट लूज़ कर देती है और जब ऑर्गेनाइजेशन या ब्यूरोटिक स्ट्रक्चर से पब्लिक का ट्रस्ट ख़त्म होता है तो अमूमन पब्लिक जो है वो उसके हवाले से फिर गोरमेंट ऑर्गनाइजेशन के अंदर एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस जो है वो डवेलप कर लेती है आ, एक नेगेटिव फीलिंग या ओपिनियन डेवलप कर लेती है तो इस तरह जो फॉर्मल ऑर्गनाइजेशन होती हैं उनका पब्लिक ट्रस्ट कायम करना या पब्लिक ट्रस्ट उनकी बदौलत कायम होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उन ऑर्गेनाइजेशंस की एग्जिस्टेंस जो है वो मेंटेन रहे